हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग। आज अपन बात करेंगे रॉयल एनफील्ड हंटर 350 रेविल ब्लैक के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह है रेविल ब्लैक। मैं सबसे पहले इसको चारों तरफ से दिखाता हूं आपको। फ्रंट की बात करें तो आप फ्रंट में देख सकते हैं, यह हेलोजन हेडलाइट जिसमें आरी का लोगो मिल जाता है। दोनों इंडिकेटर देख सकते हैं। नीचे की बात करें तो ग्लॉसी में आपको मडगार्ड मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ग्लॉसी में आपको मडगार्ड मिल जाता है। और 41mm के आपको सस्पेंसर्स मिल जाते हैं, दोनों सस्पेंसर देख सकते हैं। और रबर लगी हुई सस्पेंसर्स में, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। और इसमें आपको सीएट का टायर मिल रहा है 110/70/17 का, जिसकी आप देख पा रहे हैं। और अलॉय व्हील की डिज़ाइन आप देख सकते हैं, अलॉय व्हील की डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। और इसमें आपको रॉयल एनफील्ड की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है अलॉय व्हील में, और पीली आपको स्टिकर देखने को मिल जाता है। स्टिकर में आपको रॉयल एनफील्ड का स्टिकर मिल रहा है, और यहाँ पर आपको पीली कलर की पट्टी देखने को मिल जाती है। आपको ये दोनों साइड देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसके टैंक की बात करें तो आपको इसमें 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम ग्लॉसी में आपको टैंक मिल रहा है ब्लैक एंड सिल्वर कलर में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और बीच में आपको मिल जाती है ये येलो कलर की पट्टी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड का स्टिकर देखने को मिल जाता है, और एनफील्ड का यहाँ पर एक स्टिकर देखने को मिल जाता है ब्लैक कलर में, और यहाँ पर आपको छोटा सा स्टिकर देखने को मिल जाता है ब्लैक कलर में रॉयल एनफील्ड का। आपको दोनों साइड से टैंक दिखाता हूँ मैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रॉयल का स्टिकर देखने को मिल जाता है, उस साइड आपको इनफील्ड का स्टिकर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे एक स्टिकर मिल जाता है रॉयल एनफील्ड का। और इसकी सीट की बात करें, सीट देख सकते हैं ब्लैक कलर का आपको सीट मिल जाती है, यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है रॉयल एनफील्ड की। सीट काफ़ी कम्फर्टेबल है, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी बढ़िया है। और आप देख सकते हैं ये पीछे पकड़ने के लिए देख सकते हैं बैक पर, और यहाँ पर आपको पैनल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का स्टिकर देखने को मिल जाता है, और राउंड शेप में आपको ये येलो कलर का देख सकते हैं। और इसके इंजन की बात करें तो ये आपको सिंगल सिलेंडर एयरकूल फोर स्टॉक इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम के साथ में आपको इंजन मिल रहा है, जिसमें आपको 5 फीट का गेयरबॉक्स मिल रहा है ये डुअल चेसिस रैम में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको गियर लीवर देखने को मिल जाता है, इसका एक गियर आगे को डलेगा, बाकी के चारों पीछे को डलेंगे, जैसे एक गियर आगे डलेगा बाकी के पीछे डलेंगे, 1, 2, 3, 4 बाकी के 4 ऊपर डल जाते हैं, एक नीचे की तरफ डल जाता है। तो आप देख सकते हैं इसके डिजिटल मीटर देख सकते हैं, इसमें जैसे गियर डालेंगे तो गियर का अपन कैसे पता चलेगा, जैसे मैं चालू करता हूँ, गाड़ी चालू हो गई है, और इसमें मैं पहला गियर डालता हूँ, आप देख सकते हैं ये पहला गियर डल गया है, और ये आपको सिम्बॉल देखने को मिल जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक गियर डल गया है। और मैं सेकंड गियर डालता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड गियर डल गया है, और ये थर्ड गियर डल गया है, और ये फोर्थ गियर डल गया है, और ये डल गया फिफ्थ गियर। जैसे मैं उतारूँगा देखते हैं, देखिए 4, 3, 2, 1 और अब हो जाएगा न्यूट्रल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाता है, अभी देख सकते हैं 7:21 बता रहा है। और यहाँ पे आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे किलोमीटर देखने को मिल जाता है। और ये ट्रिप, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आई बटन दी हुई है, जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ, और ये आपको ट्रिप एफ बता रहा है, अभी ओडो बताने लगा है, ट्रिप ए देख सकते हैं, ट्रिप बी, ट्रिप एफ। और यहाँ पर मिल जाता है आपको यूएसबी पोर्ट मोबाइल चार्जिंग के लिए, आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाती है सेल्फ स्विच, यहाँ पे हज़ार तो जिससे चारों इंडिकेटर चालू हो जाते हैं, जैसे कि मैं इसको प्रेस करूँगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चारों इंडिकेटर चालू हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे हॉर्न बटन देखने को मिल जाती है, यहाँ पे इंडिकेटर स्विच आप देख सकते हैं, लेफ्ट राइट ऑफ, और ये 5 लाइट मिल जाता है, और यहाँ पर आई बटन देखने को मिल जाती है। ये डिजिटल मीटर एंड ऑडोमीटर दोनों मिल रहा है, और यहाँ पे आपको सिम्बॉल देखने को मिल जाते हैं न्यूट्रल मीटर का,
और यहाँ पे ABS बैटरी और फ्यूल मीटर, तो चारों इंडिकेटर एक मिल जाते हैं। इसके रेयर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चैन स्पार्कट, ओपन चैन स्पार्कट मिल जाता है। आप देख सकते हैं इसमें पीछे भी सीएट का टायर मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी आपको सीएट का टायर मिल रहा है, आप देख सकते हैं। यह है टेल लाइट और दोनों इंडिकेटर, मैं दोनों इंडिकेटर चालू करके दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं दोनों इंडिकेटर, और ये मिल जाते हैं आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए। ये रिफ्लेक्टर देख सकते हैं, इसके LED लाइट दिया हुआ है छोटा सा, आप देख सकते हैं ये नंबर प्लेट पे दिखने के लिए। और आप देख सकते हैं ये शालंतर, शालंतर देख सकते हैं, ये पूरा बैंड पाइप देख सकते हैं, ये शालंतर है। ये है फुटरेस्ट देख सकते हैं, इसमें भी आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और ये है राइडर फुटरेस्ट, और ये है ब्रेक लीवर, रेयर ब्रेक लीवर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी शॉर्ट है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। जैसे स्पोर्ट बाइक में आपने देखा होगा इसी टाइप का आपको ये ब्रेक लीवर मिल रहा है। यहाँ पे इंजन में आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और एक पैनल है इसमें आपको बैटरी मिल जाती है, और सभी प्रकार के फ्यूज इसके अंदर मिल जाते हैं, जिसमें भी आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग दी हुई है, रॉयल एनफील्ड 100 350, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसका साउंड सुनाता हूँ मैं आपको के लिए, और आप साउंड सुन सकते हैं। आपने सुना काफ़ी बढ़िया साउंड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। गाड़ी पे साइड से दिखाता हूँ मैं, फुल लुक दिखाता हूँ, और आप इसके मिरर देख सकते हैं, दोनों मिरर ब्लैक कलर में आपको मिरर मिल जाते हैं। और आप ये विंडशील्ड देख सकते हैं, विंडशील्ड आपको एसेसरीज पार्ट में मिलेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर में काफ़ी बढ़िया लुक दे रही है, वैसे विंडशील्ड में काफ़ी अच्छा लुक दे देती है ये। और आप देख सकते हैं, आप ये देख रहे हैं विंडशील्ड में काफ़ी लुक दे रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका रिवील ब्लैक कलर है, ये हंटर 350 रिबल ब्लैक, जिसके आप देख पा रहे हैं। चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें।